नेबरिंग नेशंस की टेरिटरीज को अपना घोषित करना, डिस्प्यूटेड घोषित करना, ये चाइना की वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी रही है। चाइना के वेस्टर्न फ्रंटियर पर इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को बनाकर रखना, साउथ चाइना सी में फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई के साथ डिस्प्यूट, ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ डिस्प्यूट, अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम, कि लॉजिक क्या देता है चाइना, इसको जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, फिर हम काउंटर लॉजिक भी समझ पाएंगे। स्ट्रेटजिक इंपोर्टेंस क्या है अरुणाचल प्रदेश की और अभी क्या सॉल्यूशंस बताए जाते हैं बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स, इस पर भी बात करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, स्टडिया की वेबसाइट पर जाएंगे, डिफरेंट कोर्सेस आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएंगे, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी का राइट मिक्स है। अभी एक ऑफर चल रहा है 9999 में, आपको कोर्स अवेलेबल हो सकता है, त्यागी फ्लैश आप कोड यूज कर सकते हैं। दिस माई इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर वीडियो से जुड़े MCQs आते हैं, अपडेट्स आते हैं, आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एंड ट्विटर। बेसिक्स अबाउट अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल है ईटानगर, इंडिया की 24th स्टेट। 1972 में यूटी का दर्जा मिला, उससे पहले नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 87 में स्टेट का दर्जा मिला, 83,743 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर स्टेट्स में सबसे बड़ा राज्य है बाय एरिया। करीब 21 मेजर ट्राइबल ग्रुप्स हैं और 100 के आसपास सब ट्राइबल ग्रुप्स हैं। एग्जाम्पल, मिशमी ट्राइब ट्राइबल ग्रुप हुआ, ईदो मिशमी, मीजो मिशमी, दिगारो मिशमी, ये सब ट्राइबल ग्रुप हुए। मोर देन 50 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स हैं, 17 टाउन्स हैं, 3,649 के आसपास विलेजेस हैं। अब चाइना के साथ बॉर्डर हमारा अराउंड 4,050 किलोमीटर का, इसमें से 3,290 किलोमीटर तो चाइना कहता डिस्प्यूटेड है। तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, चाइना कहता है ये सदर्न तिब्बत होता था और तिब्बत हमारा है, तो इस वजह से ये एरिया भी हमारा हुआ और इसके साथ साथ अदर एरियाज भी अरुणाचल के वो क्लेम करता है। इतिहास में जाना होगा, देखिए इंपीरियल टाइम में आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब एक ही तो था, ब्रिटिश इंडिया था, बैरिंग असाइड प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिशर्स ने एंग्लो बर्मा वॉर किया 1826 में और आसाम ले लिया, ट्रीटी ऑफ यांदाबो। उस टाइम पर आसाम का पार्ट आज के कुछ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र भी थे, सभी नहीं, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे थे ना तो उसको चाइनीज क्लेम करते थे, ना तिब्बत क्लेम करता था और ना ही बर्मा क्लेम करता था। तो ऐसे में 1886 में ब्रिटिशर्स एक्चुअली सेंट आउट प्यूनिटिव एक्सपीडिशन टू दिस लोहित वैली। कारण क्या था, ब्रिटिशर्स ने यहां पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए थे टी गार्डन्स में और उनको पता लगता था कि बार बार यहां से ट्राइब अटैक करते हैं, तो इस वजह से एक्सपीडिशन इस साइड भेजी। द एरिया वॉज नीदर अंडर चाइनीज तिब्बतन, जैसा कि मैंने आपको बताया इस वाले एरिया को। अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई हम इस एरिया में अपना मेजर से इस वजह से चाहते हैं क्योंकि हम इसको बैकडोर मानते हैं चाइना की, हम चाइना के साथ व्यापार करना चाहते हैं, तो ऐसे में इस एरिया में हमारा मिलिट्री कंट्रोल होना जरूरी है, नहीं तो हमारे ट्रेड हैम्पर हो जाएंगे। लेकिन तिब्बत उनको ये रास्ता देने के लिए तैयार नहीं था, तो क्योंकि वो सेल्फ इम्पोज आइसोलेशन में था। एक दूसरी चिंता ये थी ब्रिटिशर्स की कि बीच बीच में यहां पर कई मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट एम्पायर्स वो एडवेंचरर्स बन के आते हैं टू एक्चुअली फाइंड कि ये एरिया क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो यानी कि ऐसे में इन एक्सप्लोरर्स के द्वारा जब ये इंफॉर्मेशन अपने यहाँ दी जाएगी तो यानी कि यहाँ पर फर्दर इन्वेजन हो सकता है, इससे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ऐसे में लॉर्ड कर्जन ने इस तरफ यानी कि यहाँ नाथुला पास से यादोंग से होते हुए चुंबी वैली तक एक एक्सपीडिशन भेजी और फाइनली तिब्बत को राजी कर लिया कि भाई आप हमें ट्रेड कंसेशंस दीजिए, हमारे लिए व्यापार का रास्ता इस एरिया से खोलिए। लेकिन साथ साथ एक दूसरी चीज भी हुई वहां पर, तिब्बत के ऊपर रशिया, चाइना और ये ब्रिटिशर्स ने एक तय किया कि भाई इसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा, कोई अपनी टेरिटरी नहीं बनाएगा। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने आसाम, जैसे कि इस तरफ नॉर्थ ईस्ट के फर्दर ईस्ट, तो यहां पर ब्रिटिशर्स ने क्लेम किया, लेकिन वहां पर कह दिया कि ठीक है तिब्बत को हम एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि तीनों पावर्स इस बात पर सहमत थी। लेकिन 1913 में हालात बदले, अब किंग डायनेस्टी जा चुकी थी और सुन सेन के अंतर्गत एक नया रिपब्लिक चाइना में बन रहा था। तिब्बत ने सोचा कि यार ये तो मौका है और ऐसे में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, तो यानी कि अब तिब्बत का स्टेटस चेंज हो चुका है। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो चुका है, ब्रिटिशर्स ने इस मौके को समझा और 1913 में सिमला एग्रीमेंट किया। इसके तहत मैकमोहन लाइन डिसाइड की गई कि भाई ये डिवीजन होगा ब्रिटिश इंडिया में और तिब्बत में। बात सही थी, लेकिन चाइनीज कहते हैं हम इसको नहीं मानते। कारण, वो कहते हैं तिब्बत कभी अलग देश था ही नहीं, इंडिपेंडेंट था ही नहीं, तो जब वो सॉवरेनिटी नहीं थी उसके पास, तो उसके द्वारा साइन किया गया सिमला एग्रीमेंट हम नहीं मानेंगे। तो ये एक मेजर क्लेम है ब्रिटिशर्स का जो ये लॉजिक देते हैं। 1944 में एक सिविल सर्वेंट थे जेपी मिल्स, उन्होंने
यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया नेफा के नाम से, लेकिन देखिए क्या चूक हुई, तवांग को उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं लिया, जबकि तवांग मैकमोहन लाइन के नीचे था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होना था एज पर मैकमोहन लाइन, लेकिन उन्होंने फिर ऐसे तवांग को क्यों एडमिनिस्टर होने दिया तिब्बत की तरफ से। इसका लॉजिक दिया जाता है कि वो हर्ट नहीं करना चाहते थे तिब्बत को, क्योंकि तवांग में बुद्धिस्ट एनक्लेव थे और पहले से उनका एक डीप कनेक्शन रहा था, तो वो चाहते थे कि कोई इशू ना बने, तो इस वजह से ऐसे ही उन्होंने चलने दिया। 1947 में दलाई लामा ने एक लिस्ट भेजी और कहा अरुणाचल प्रदेश की ये जो टेरिटरीज है ना, ये तिब्बत की हैं। अक्टूबर 1950 में चाइना ने अटैक कर दिया फर्दर तिब्बत की तरफ कि अब पूरी तरह एनेक्स करेंगे। ऐसे में जो 1951 में मेजर रेलेंग खातिंग, जिनको मेजर बॉब रेलेंग खातिंग भी कहते हैं, उन्होंने तवांग में जाकर तिरंगे को फहरा दिया। ये एक मेजर पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में, एंड वी शुड थैंक मेजर रेलेंग खातिंग। क्यों? क्योंकि तवांग उससे पहले डायरेक्ट ब्रिटिश क्लेम में था नहीं, राइट? तो ऐसे में वहां पर तिरंगा फहराया जाना अब मैकमोहन लाइन के उस फैसले को, जो कि सिमला एग्रीमेंट था, उसको क्लेम करना हुआ, राइट? लेटर इन 1959 जब ब्रिटिशर्स ने फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तिब्बत में, तो उसके बाद दलाई लामा इसी नथुला पास के थ्रू, तवांग के थ्रू इंडिया में एंटर होते हैं। अब इंडिया चाइना वॉर होता है 1962 में और चाइना अरुणाचल प्रदेश के कई सारे एरियाज को अपने अंडर कर लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद चाइना बैकफुट पे आ जाता है। इंटरनेशनल पोस्चरिंग उसका एक रीजन बताया जाता है, तो चाइना ने कई सारे एरियाज को छोड़ दिया, नहीं तो तवांग पर भी चाइना का क्लेम आ चुका था 1962 में। 2007 में देखिए अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को चाइना कहता है कि आपको अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। अरे घर के घर में कोई वीजा थोड़ा ना लिया जाता है, तो पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का ही पार्ट है ना। तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर ने कहा बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। 2009 में जब मनमोहन सिंह जी अरुणाचल प्रदेश गए, तो चाइना कहता है कि हम इस पर तीखी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, क्योंकि चाइनीज एरिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया की तरफ से जवाब गया कि आप गलत फहमी में हैं, अरुणाचल प्रदेश इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। 2017 में हमने देखा एक स्टैंड ऑफ डोकलाम पर, यानी कि भूटान की इस स्टेट, देखिए यहां पर है भूटान, यह है सिक्किम, और यह बहुत ही क्रूशल जंक्चर है, राइट? ये डोकलाम प्लेट्यू है, तो चाइना इस एरिया को क्लेम करता है कि ये मेरा है, और इवन भूटान को ऑफर देता है कि भाई आप क्या करो, ये एरिया मुझे दे दो, ठीक है, और इसके बदले मैं आपको और ज्यादा एरिया इस तरफ दे दूंगा। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि वो हमारे चिकन नेक कॉरिडोर पर स्ट्रेटजिक बेसिकली प्रेजेंस चाहता है, वो फॉरवर्ड पोस्टिंग चाहता है, जिससे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट का टाइम आए तो उसको एक मेजर से मिल जाए। लेकिन यहां पर डोकलाम पर हम प्रोटेक्शन के लिए भूटान के इस एरिया के और अपनी खुद की इंपोर्टेंस के लिए यहां पर स्टैंड ऑफ हुआ। फाइनली ये डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व हो गया। अब देखिए यहां पर 2019 की ये पिक्चर है अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर की, और 2021 में देखिए आपको यहां पर कई सारे इनहैबिटेशंस दिख रहे होंगे, हैबिटेशंस दिख रहे होंगे, यानी कि चाइना यहां पर बॉर्डर पर विलेजेस को बिल्ड कर रहा है। और इसके बाद चाइना ने 15 अरुणाचल प्रदेश के प्लेसेस का अपना ऑफिशियल नेम भी दे दिया है, कि जैसे वो उसके राज्य हों। अब वाई इज चाइना एक्चुअली रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट दिस सॉल्यूशन? तो देख लो, एक तो रीजन आपको पता लगा, ये है तवांग, जिसको वो कहता है तो तिब्बत का पार्ट था। चाइना कहता है कि पहली बात तो ये जो सिमला एग्रीमेंट था, ये कॉलोनियल पावर ने किया था, ब्रिटिशर्स ने, और हम कॉलोनियलिज्म में विश्वास रखते नहीं हैं, तो इस वजह से रद्द। सेकंड का, तिब्बत के पास सोवरेनिटी नहीं थी इस फैसले को लेने की, तिब्बत तो हमारा पार्ट था, तो इस वजह से ये फैसला रद्द। और तीसरा है कि इससे पहले ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी की थी चाइना के साथ, रशिया के साथ, कि तिब्बत के स्टेटस में कोई चेंज बदलाव नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, तो फिर हमसे सहमति लिए बिना तिब्बत के साथ एग्रीमेंट करा क्यों गया? अब इसके पीछे काउंटर लॉजिक तो सुनिए। देखिए 1913 में तिब्बत का स्टेटस चेंज हुआ, तिब्बत ने अपने आप को अलग देश घोषित किया, तो जब अलग देश घोषित कर दिया तो उसके पास समरूपता है, राइट? और हमने उसको अलग देश माना, ब्रिटिश इंडिया ने, तो ऐसे में उनके पास समरूपता है, वो तय कर सकते हैं। और रही बात इस वाली कि भाई रशिया और चाइना से क्यों नहीं पूछा, अरे वो टाइम था जिस टाइम पर आप तिब्बत को अपना पार्ट कहते थे, और वो किंग डायनेस्टी का टाइम था, लेकिन किंग डायनेस्टी गई ना। अब जब समय बदलता है तो जाहिर सी बात है जो स्टेटस होता है एरिया का वो भी बदलता है, तो उसके साथ जो रिलेशन के तौर तरीके होते हैं, जो बेसिस होते हैं, वो भी बदलते हैं। तो इस वजह से थर्ड एग्री जो लॉजिक है चाइना का, वो भी हम रद्द करते हैं। ज्योग्राफिक, अब देखिए सिक्योरिटी टू भूटान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ये देखिए, ये है यहां पर भूटान। अब यहां पर तो डोकलाम विवाद हो ही चुका है, बताया था आपको ये सिक्किम है। अब अगर इस एरिया में, तवांग वाले एरिया को चाइना ले लेता है, तो इससे होगा क्या, ये दोनों
साइड पर चाइना की जो फोर्सेज हैं फॉरवर्ड पोस्टिंग पर आ जाएंगी, इससे भूटान की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और भूटान को सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होते देख हो सकता है भूटान फिर फ्लक्चुएट किसकी तरफ हो जाए, यानी कि इंक्लाइन किसकी तरफ हो जाए, चाइना की तरफ हो जाए, वो ओवरऑल इंडिया के इस कॉरिडोर की और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। तो इस वजह से तवांग अरुणाचल प्रदेश, यहां पर हम चाइना को नहीं देख सकते, सिंस तवांग लाइज ऑन सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयस और ये आउटर फ्रिंज है तिब्बत का। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये तो हमेशा से एक ऑटोनोमस रीजन की तरह रहा है इतिहास में, क्योंकि सदर्न पार्ट में था तिब्बत के, तो आप इसको ऐसे ही क्यों नहीं रहने देते, आपने खुद ही स्टेटस चेंज क्यों कर दिया, ये वो इंडिया से कहता है। स्ट्रेटजिकली अगर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना के साथ, तो अरुणाचल प्रदेश बींग द शॉर्टेस्ट रूट, यानी कि अगर हम भाई चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें ऐसे रास्ते चाहिए जहां से हम मिलिट्री सप्लाईज को आसानी से मूव कर सकें, तो अरुणाचल प्रदेश हमारे लिए वो स्ट्रेटजिक एडवांटेज है चाइना पर ऑफेंस करने की, ऑफेंसिव होने की। चाइना कहता है सिलीगुड़ी, अब चाइना के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ये फॉरवर्ड पोस्टिंग हो जाएगी, वो तो हमने बात की, चिकन नेक कॉरिडोर है। अब रिकमेंडेशंस क्या दी जाती हैं, पहला कहा जाता है कि केयरफुली म्यूचुअली हमें डिस्कलेशन करना चाहिए इस इशू का, यानी कि हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि इस जंग से फायदा किसी को नहीं होगा। सेटिंग एक कमेटी करनी चाहिए, ज्वाइंट कमेटी हो, जिससे कि इसके ऐतिहासिक तथ्य, जिनकी बात हमने की, तो अब चाइना हमारे तथ्यों को गलत ठहराता है, हमारे लॉजिक को गलत ठहराता है, तो ऐसे में एक बीच का रास्ता कमेटी द्वारा निकाला जाना चाहिए। साथ में सिस्टमेटिक कन्वर्सेशंस होनी चाहिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड देयर फॉरेन मिनिस्टर, ये आपस में रेगुलर मीटिंग्स करें, जिससे कि गोल हो कि फेज्ड मैनर में इस पॉइंट्स को हम कवर करते चलें। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सेटअप और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जब ट्रेड रिलेशंस बढ़ते हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी है, यानी कि जिसके साथ आपके संबंध बहुत ज़्यादा गहरे हैं या आप डिपेंड हैं उन पर, वो डिपेंड हैं आप पर, तो ऐसे में युद्ध पर जाने की चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। और एक और पीस बाय पीस थ्योरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, वो कहती है कि भाई पूरे बड़े डिस्प्यूट को एक बार में सुलझ जाएगा, ऐसा मत सोचो, और इस वजह से रुको भी मत, क्या करो कि पीस पीस में लेकर चलो। जैसे कि भाई तवांग वाला मुद्दा है तो पहले तवांग वाले मुद्दे को आप सॉल्व कर लीजिए, डोकलाम वाला इशू है उसको बिल्कुल क्लियर कट कर दीजिए, फिर जो आपका अरुणाचल प्रदेश के अदर एरियाज आप क्लेम करें उसको क्लियर कट कर दीजिए। तो ऐसे में साथ में अब ये तो बॉर्डर वाला हुआ, अगर आप बॉर्डर पर एकमत नहीं होना चाह रहे तो ट्रेड पर, लोकल कम्युनिटी के राइट्स पर, राइट, तो इन मुद्दों पर आप एक एक स्टेप लेंगे तो ग्रेजुअली आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। आई थिंक आपको ये इशू समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।